Hello everyone. In the continuation of the series of Transfer of Property Act, today we are going to discuss the Section 12 of the Transfer of Property Act. Section 12 जो बात करता है वो बात करता है condition making interest determinable on insolvency or attempted alienation. Overall इस section में जो बात करी हुई है बात करी है कि अगर कोई person property किसी person को transfer करता है और वो उसमें एक condition लगा दे कि जिस person को property transfer हो रही है जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा उस दिन वो प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफरर के पास आ जाएगी, जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी उस पर्सन के पास वापस प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन लगाई जाती है तो वो कंडीशन वॉइड होगी। एग्जांपल देखते हैं, ए पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को और कंडीशन लगाता है कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर तब तक करूंगा तब तक आपके पास रहेगी प्रॉपर्टी, तब तक आपका इस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप रहेगी, तब तक आप इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते। तो ये जो कंडीशन लगा रहा है ए बी के ऊपर, तो ये जो कंडीशन है ये वॉइड होगी, ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, लेकिन जो ट्रांसफर हुआ है वो वैलिड होगा। ये जो सेक्शंस बने हुए हैं सेक्शन 10, 11 और 12, ये एक सीरीज के सेक्शन है। ये जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो केसेस हुए थे, क्योंकि 1882 में जब हमारा एक्ट आया था तो इसमें ये डायरेक्ट एज इट इज डाल दिए गए, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जजमेंट थे और उन जजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शंस बनाए गए हैं। कोई केस हुआ होगा, किसी पर्सन ने ऐसी कंडीशन डाली होगी अपनी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करते हुए टाइम कि अगर मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊँगा तो मेरी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाएगी वापस जो आप मेरे को ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास केस गया होगा तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये एक्सेप्शन डाला होगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो वाइड होगी। तो उसी से ये जो सेक्शन है ये ड्राइव हुआ और फिर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आया। अब हम सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन बात करता है वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एनी इंटरेस्ट देयर। जब कोई ट्रांसफर कर रहे हैं और उसमें हमने कोई कंडीशन लगाई है उस इंटरेस्ट में, जो हम इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी का उसमें हमने कोई कंडीशन लगाई है, रिजर्व और गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, जो हम या तो रिजर्व कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं किसी भी बेनिफिट के लिए, किसी पर्सन के लिए कोई पर्सन का बेनिफिट होगा उस ट्रांसफर करने में उस इंटरेस्ट के लिए अगर हम ये चीज लगा रहे हैं कोई कंडीशन। टू सीज ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, तो ये सीज हो जाएगी मतलब खत्म हो जाएगी, ये जो ट्रांसफर हुआ है वो जो इंटरेस्ट हुआ है वो खत्म हो जाएगा जब वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाएगा। जैसा कि ये इलस्ट्रेशन है कि भाई ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और ये कंडीशन डाल दे ट्रांसफर जो डीड होगी उसके अंदर कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहा हूँ लेकिन ये प्रॉपर्टी तब तक ही आपके पास रहेगी, तब तक ही आप इसके ओनर रहोगे इस प्रॉपर्टी के, तब तक आप इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते। क्योंकि अगर एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती हैं वो सारी सीज कर ली जाती है और फिर एक रिसीवर अपॉइंट होता है और रिसीवर उस प्रॉपर्टी का सारा वैल्यूएशन करके और जो क्रेडिटर्स होते हैं उस पर्सन के उनको पेमेंट करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन डाल दे कि अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर हो जाएगी तो जो क्रेडिटर्स हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से ये सेक्शन डाला गया है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई कंडीशन डलती है किसी भी ऐसे एग्रीमेंट में जहाँ पे ये ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर डीड में, तो वो जो ट्रांसफर डीड होगी वो ट्रांसफर डीड में जो ट्रांसफर हो रहा है वो वैलिड होगा लेकिन ये जो कंडीशन है वो वॉइड होगी, वो कंडीशन नहीं मानी जाएगी। और एंड्यूरिंग टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ द सेम, एंड्यूरिंग टू ट्रांसफर का मतलब होता है प्रयास करना ट्रांसफर के, अटैम्प्ट मेनी टाइम ऑफ अटैम्प्ट, ये जो बात है यहाँ पे अटैम्प्टेड एलिनेशन इसका मतलब ये है कि मैं ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट करूँ, अभी नहीं हो पा रही, दूसरी नहीं हो पा रही, तीसरी नहीं हो रही, तो अटैम्प्ट करने से अगर मुझे रोका जा रहा है ट्रांसफर करने से, और डिस्पोज ऑफ द सेम और अगर मेरे को डिस्पोज करने से उस प्रॉपर्टी को, तो वो जो कंडीशन लगाई है वो वॉइड होगी। इस सेक्शन में ये बात करी है। लेकिन इस सेक्शन का भी एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे आपने कंडीशन लगा दी है जिसके ट्रांसफर पे कि आप अगर इंसॉल्वेंट हो जाओगे तो ये प्रॉपर्टी वापस मुझे आ जाएगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी ट्रांसफरर को, इसमें ए इज द ट्रांसफरर बी इज ट्रांसफरिंग, ये कंडीशन लगा रहा है ए कि आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे तो जो आपकी प्रॉपर्टी है ये मुझे आ जाएगी, मतलब ए को ट्रांसफरर के पास आ जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और ये जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का ये लीज पे हो रहा है, अगर ए अपनी प्रॉपर्टी लीज पे बी को देता है और बी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ये कंडीशन अगर डाली है ए ने कि आपके इंसॉल्वेंट होने पे ये प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाएगी वापस, रिवर्ट बैक हो जाएगी,
तो ये कंडीशन वैलिड होगी, क्योंकि जब हम किसी को लीज देते तो लीज के राइट में होता है कि उसके पास जो पर्सन होता है जिसे ट्रांसफरर होता है यहाँ पे जो बी है, इसके पास राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सके। तो डिस्पोज करेगा क्योंकि अगर बी के पास प्रॉपर्टी जाएगी तो बी का जो जब इंसॉल्वेंट होगा तो रिसीवर अपॉइंट होगा और रिसीवर जो इसका क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे वो डिस्पोज ऑफ जो उसकी प्रॉपर्टी उसको डिस्पोज भी कर सकता है। तो लेकिन अगर लीज की बात है तो लीज के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर लीज पे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो ए जो ट्रांसफरर है वो एक कंडीशन लगा सकता है और वो जो कंडीशन होगी इंसॉल्वेंट होने की या फिर ट्रांसफर करने की वो वॉइड होगी, क्योंकि सेक्शन हम अगर 10 भी देखें तो वहाँ पे भी जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं एलिनेशन पे वो वॉइड माने जाएंगे। लेकिन लीज के अगर लीज का केस आएगा तो लीज के केस में जो कंडीशन लगाई जाती है वो वैलिड होती है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इंसॉल्वेंसी हो रही है या फिर अगर एलिनेशन कर रहे हो आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन लीज के उस काइंड में लगाई जाती है तो आपको वो वैलिड मानना पड़ेगा, वो वैलिड होगा। तो ये बात ये जो लाइन में यही है कि नथिंग इन द सेक्शन अप्लाइज टू अ कंडीशन इन अ लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। तो जो भी पर्सन लेसर है उसके बेनिफिट के लिए ये अगर काम किया जा रहा है, अगर उसको लगता है कि मेरे बेनिफिट के लिए है तो वो ऐसी कंडीशन लगा सकता है और वो कंडीशन वॉइड होगी। लेकिन एक्सेप्ट लीज अदर किसी भी ट्रांसफर में, मॉर्गेज है, एक्शनेबल क्लेम है, सेल है, गिफ्ट है, उसमें अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई जा रही है तो वो कंडीशन वॉइड होगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।